So we have seen non-essential, essential amino acids. Now we'll see some uncommon amino acids, but they perform important function, very important functions in the protein. And these uncommon amino acids are responsible for the function, okay, of the protein. Uncommon amino acids, but performing, one second, okay. आ रही आवाज मेरी? तुरंत ये पोर्शन खत्म कर देंगे. आ रही आवाज? यस सर. परफॉर्मिंग? यस सर. यस सर आ रही. इंपॉर्टेंट? यस सर आ रही. दीज अनकॉमन अमाइनो एसिड्स क्या है? एक का नाम है 4-hydroxyproline. हाइड्रोक्सीप्रोलीन. अब नाम से आप समझ लीजिए, प्रोलीन है और फोर्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है. प्रोलीन का स्ट्रक्चर आपको याद है? अभी नहीं याद कहां से होगा, अभी बताए थे आपको. प्रोलीन का स्ट्रक्चर बनाइए, उसका फोर्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया. तो इसमें आप अल्फा कार्बन COO, यहां पर हाइड्रोजन है, एंड देन CH2 ऐसे था, CH2 और ये अल्फा कार्बन अल्फा अमीन ग्रुप है, इसी के साथ फॉर्मेशन किए हुए हैं यहां पर NH2. ओके, दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. ये फोर्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है. एक हाइड्रोजन गायब हो गया और एक OH. दिस इज 4-hydroxyproline. समझ में आ रहा है? क्या दूसरा है, एक नाम है 5-hydroxylysine. ये जो है आपका 4-hydroxyproline is found in plant cell wall protein.
यानी प्रोटीन में प्रोलीन इनकॉर्पोरेट हुआ, उसके बाद प्रोलीन जो है मॉडिफाई होकर 4-हाइड्रोक्सी प्रोलीन हो गया एंड सिर्फ यही नहीं, प्लांट प्रोटीन सेल वॉल मतलब स्ट्रक्चरल रोल है इसका, और साथ ही साथ ये है आपके कोलेजन प्रोटीन में भी होते हैं। कोलेजन तो एनिमल में भी इसका इनकॉर्पोरेशन है, तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शन को कंट्रीब्यूट कर रहा है कोलेजन, और 5-हाइड्रोक्सी लाइसिन भी जो है वो कोलेजन में होता है, ये दोनों भी कोलेजन प्रोटीन है। 5-हाइड्रोक्सी लाइसिन का स्ट्रक्चर है आपका, लाइसिन का स्ट्रक्चर पे 5th कार्बन पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ओके, इसको बना दीजिए, इसको मिटा दूं या नीचे लिख दे आप समझ में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यही बनाते हैं 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन। दिक्कत कहीं बताइएगा, यहाँ पर कार्बन अल्फा COO हाइड्रोजन दिख रहा है NH2 एंड देन लाइसिन में क्या होता है, लाइसिन में कितने मिथाइल ग्रुप थे, 4 थे, CH2 और सबसे लास्ट वाला मिथाइल के साथ क्या था, अमीन ग्रुप था NH3+। अब नाम क्या है, 5-हाइड्रोक्सी, 5वां कार्बन कौन हुआ, ये तो पहला हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, ये 5वां कार्बन, इस पर OH लगा दीजिए, ठीक है, OH लगा तो यहाँ एक H कम हो गया, CH, OH, this is 5-hydroxyproline found in collagen, मिटा दें, समझ गए, चले आगे। यस सर, दो बता दिए, अब तीसरा नाम है मिथाइल लाइसिन, मिथाइल लाइसिन, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप जो है लाइसिन में 6th कार्बन पर है, लेकिन 6th कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है एंड टू दैट नाइट्रोजन दैट मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड, सो इट इज टर्म एज 6N मिथाइल लाइसिन। ओके, इसका स्ट्रक्चर है आपका, अल्फा कार्बन बना लीजिए पहले, यानी लाइसिन का फोटो पहले बनाइए, अभी पीछे में बनाए थे लाइसिन का फोटो, उसी में दिखा देते तो ठीक रहता, कोई नहीं देख लो, तुरंत बना दे रहे हैं NH3, 4 बार मिथाइल, CH2 एंड अमीन ग्रुप। अब इस पर क्या लिख रहा है, 6N मिथाइल, तो इसी अमीन ग्रुप के साथ एक मिथाइल अटैच्ड तो दिस अमीन, ठीक, तो इसके साथ जब मिथाइल अटैच होगा तो ये बन जाएगा आपका, क्योंकि फिर ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं रहेगा, this will become like this, NH CH3, this is 6N methyl lysine, 6 पर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन, 6, लेकिन 6 जो है वो नाइट्रोजन के साथ लिंक्ड है और नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप लिंक्ड है।
correct? Okay. And पूछोगे कहाँ मिलता है ये अमाइनो एसिड, तो मायोसिन नाम का प्रोटीन में। मायोसिन कहाँ पर है? मसल कनेक्टिव टिश्यू में दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट। ओके, एंड दिस इज ए कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एंड इन दिस कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन लाइसिन इज मॉडिफाइड लाइक दिस। ओके, फोर्थ जो है आपका कार्बोक्सी ग्लूटामेट, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? यस, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट इज, ये मिलता है आपको ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स में। क्लॉटिंग मैकेनिज्म में जो प्रोटीन इन्वॉल्व है उसमें ये अमाइनो एसिड मिलता है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ओके, जैसे प्रोथ्रोम्बिन हुआ, प्रोथ्रोम्बिन में ये अमाइनो एसिड है। ओके, और भी जो प्रोटीन्स हैं जिसमें कैल्शियम जो है इज देयर पार्ट ऑफ देयर बायोलॉजिकल फंक्शन, इन दोज टाइप ऑफ प्रोटीन्स दिस अमाइनो एसिड इज फाउंड। चलो इसका सिक्सन मिथाइल लाइसिन आप देखिए, ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर बनाइए, और गामा कार्बन नंबरिंग उसका ऐसे है, इसको मिटा दूं इधर वाला, ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर कैसा था? बोर हो गए आप लोग, सो गए क्या? नो सर। ठीक है, ग्लूटा ये क्या नाम है? एज द नेम सजेस्ट, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट का आप स्ट्रक्चर बनाइए, पहले दो मिथाइल ग्रुप था और उसके बाद है एक कार्बोक्सी ग्रुप, यहाँ से COO। सर पिक्चर नहीं आ रहा है अभी, नहीं सर आ रहा है। आ गया सर, कहाँ आया है? अभी तो आया था। हम लोग जब बोलते हैं ना तो हट जाता है, हट जाता है, रिकॉर्डिंग में रहे। अभी देखो, अभी ठीक है, रिकॉर्डिंग में रहे। नहीं सर, कहाँ आया अभी तक? अब आया सर, नेट स्लो है थोड़ा। आप लोग जो है ना अपना मोबाइल को मतलब हिलाओगे नहीं, एक जगह रखोगे तो ठीक रहेगा। ओके, अब हो गया, क्या बता रहे थे? गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट का ये हो गया स्ट्रक्चर, और गामा मतलब आपका ये है अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, एंड दिस इज गामा कार्बन। ओके, और इसी गामा कार्बन से फिर एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हो गया आपका गामा कार्बन, एंड देयर इज वन मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू इट। एक तो कार्बोक्सिलिक ये है ही CO, एक और कार्बोक्सिलिक है, गामा को इधर लिख लीजिए, ये बीटा है, ये अल्फा है। कार्बोक्सिल ग्रुप, लेकिन फिर एक हाइड्रोजन यहां कम हो जाएगा। ये हो गया आपका गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, कहां प्रेजेंट है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स में, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह सब, और भी प्रोटीन जिसमें कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर फंक्शन। हो गया,
इसका एक और जान लो, बस ज्यादा नाम नहीं, एक और जान लो डेस्मोसिन, ये भी इम्पोर्टेंट है। फोर्थ बहुत सारे हैं, मोर देन 300, तो तीन चार का ही नाम बता रहे, चार चौथा डेस्मोसिन, डेस्मोसिन इज मेड अप ऑफ फोर लाइसिन, सॉरी चार लाइसिन अमाइनो एसिड जुटा, कंडेंस हुआ तो डेस्मोसिन बना। और ये है, इट इज फाउंड इन इलास्टिन, इलास्टिन प्रोटीन है ना, उसमें तो मिलता है फाइब्रस प्रोटीन इलास्टिन। तो चार लाइसिन इसमें, अब चार लाइसिन का फोटो बनाना पड़ेगा जोड़ने के लिए, तो कोई नहीं आप बुक में देख लेना, लेनिंजर क्यूबी में दिया, लेनिंजर में दिया हुआ है। बेसिकली क्या होता है, आपका अल्फा ग्रुप सब जो है दे आर टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ठीक। तो अल्फा कार्बन से पहले आप कर लीजिए, इससे ये ब्लू से, चलो अल्फा कार्बन पेरिफेरी पर है, दिस इज अल्फा कार्बन, चार अल्फा कार्बन बना लो, चार अल्फा कार्बन चार लाइसिन का पहले, ठीक। अब चार अल्फा कार्बन पर सब पर अमाइन ग्रुप, और आ रहा है आवाज, पिक्चर दिख रहा है? यस सर, यस सर। ओके, चारों अल्फा कार्बन पर जोड़ दीजिए एक कार्बोक्सिलिक और एक अमीन, उसी तरह इस पर भी COO, हो गया। अब इसमें इसका एलिफेटिक चेन, तो लाइसिन में आपको पता है चार मिथाइल ग्रुप थे और उसके बाद एक अमीन ग्रुप है, ओके। तो इधर जो वर्टिकल है, या पहले हॉरिजॉन्टल देख लो आप, हॉरिजॉन्टल वाले में आपके दो मिथाइल ग्रुप रिंग के बाहर, CH2 को दो बार कर दो अल्फा कार्बन से, और ये अल्फा कार्बन को बैलेंस कर दो एक हाइड्रोजन लगा के, हाइड्रोजन लगा दिया CH2, ठीक। एक्चुअली है CH2 4 और उससे है एक अमीन ग्रुप अटैच्ड, लाइसिन का यही है R ग्रुप, चार सी एच टू था तो दो सी एच टू रिंग के बाहर है, और इसका भी दो सी एच टू रिंग के बाहर है, ओके। बाकी जो है दो कार्बन रिंग के अंदर आ गया, रिंग है आपका यहां, उसको नाइट्रोजन है रिंग में, और ये सी एच टू जो है यहां पर, तो ये दो हो गया। अब आप सोचिए इसका दो सी एच टू और इसका दो सी एच टू कहां गया, दोनों का चार कार्बन इज पार्ट ऑफ द रिंग नाउ, और इसका एक सी एच थ्री, इसका होता है
आपका सी एच ये हो गया, इसका एक कार्बन बनता है पार्ट सी एच टू का थ्री, एक सी एच टू बन गया इसका पार्ट और नाइट्रोजन अमीन ग्रुप निकल गया उस सी एच टू से ये अटैच्ड है। और ये नाइट्रोजन जो है ये नीचे वाला जो लाइसिन है उसका ये अमीन ग्रुप का नाइट्रोजन है, बाकी तीनों लाइसिन से नाइट्रोजन और एक निकल गया अमीन ग्रुप निकल गया और मिथाइल ग्रुप इनकॉर्पोरेट हो गया रिंग में। तो यहाँ हो गया आपका नीचे में है वन सेकंड, तीन एक चार दो छः हो गया आपका ऊपर में तीन, यहाँ पर तो फुलफिल हो गया, यहाँ पर है आपका सी एच थ्री चारों कार्बन है, अल्फा कार्बन सी एच उसके बाद सी एच टू चारों मिथाइल ग्रुप है एंड देन नाइट्रोजन ओके। और इस रिंग में आप हेलो वन सेकंड गो अहेड, कौन बोल रहा है, आवाज आ रही है क्या? वन मोमेंट, आवाज आ रही है क्या? यस सर आपकी आवाज आ रही है। यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए अल्टरनेट, ये हो गया डेस्मोसिल, कोई जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर याद रखना लेकिन फिर भी समझ लीजिए चार लाइसिन जो है कंडेंस होकर के डेस्मोसिल बना, कहाँ मिलता है इलास्टिन में ओके। तो ये सब कार्टिलेज वगैरह में, ये वहां के प्रोटीन में इलास्टिन है कार्टिलेज में, तो वहां पर ये अमाइनो एसिड है ओके। तो ये चारों हम लोग चार डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स भी देख लिए ओके। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ 20 नॉर्मल अमाइनो एसिड्स ओके। चलिए अब हम लोग कल पढ़ेंगे ठीक है, अटेंडेंस हो जाए ओके सर। यस सर।